हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आरएएस एग्जाम 2023 के लिए बड़ी खबर। साथियों, मेरे आरएएस एग्जाम 2023 में पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। कुल 905 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी। राजस्थान सरकार ने 67 पदों की बढ़ोतरी की है और अब यह भर्ती परीक्षा 972 पदों की है। साथ ही 905 पदों में राज्य सेवा के 424 पद और अधीनस्थ सेवा के 481 पद थे। अब नए निर्देशों के अनुसार कुल 972 पद हैं, जिनमें राज्य सेवा के 491 पद और अधीनस्थ सेवा के 481 पद हैं। इन पदों का राज्य सेवा के पदों का वर्गीकरण और अधीनस्थ सेवा के पदों का वर्गीकरण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अपने नए विज्ञापन में किया गया है। वर्तमान में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 67 पद हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के 60, राजस्थान लेखा सेवा के 130, राजस्थान सहकारी सेवा के 46, राजस्थान नियोजन सेवा के 3, राजस्थान उद्योग सेवा के 11, राजस्थान राज्य बीमा सेवा के 14, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के 67, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा का 1, राजस्थान परिवहन सेवा के 10, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा के 55, राजस्थान श्रम कल्याण कोष के 13, राजस्थान आबकारी के 3, राजस्थान अल्पसंख्यक मामला सेवा के 2। कुल मिलाकर 491 पद हैं, जिनमें जनरल के 129 पद हैं, एससी के 16 हैं, एसटी के 10 हैं। और कुल जो एसटी के पद हैं उनकी संख्या कितनी है? उसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के पद है 75, एमबीसी के 20, ईडब्ल्यूएस के 9। ये सारे जनरल के पद हैं। इसके अलावा बात की जाए, ये तो थे राज्य सेवा के पद। अब बात की जाए अधीनस्थ सेवा के पदों का वर्गीकरण की, तो राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा के 1 पद, राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा के 196 पद, सहकारिता अधीनस्थ सेवा ऐसे के 7, राजस्थान तहसीलदार सेवा के 102, राजस्थान तहसीलदार सेवा के 12, नियोजन अधीनस्थ के 3, उद्योग अधीनस्थ सेवा के 11, राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा के 33, राजस्थान वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा के 4, राजस्थान खाद्य नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा के 48, राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा के 9, राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा के 2। कुल मिलाकर 454 पद हैं और वर्तमान में बढ़ाए गए पदों के अनुसार 481 पद हैं। तो कुल मिलाकर ये भर्ती जो है वो 972 पदों के लिए होनी है, 905 की बजाय 972 पदों के लिए भर्ती हुई होगी, जिसका एग्जाम अभी हाल ही में 1 नवंबर 2023 को हुआ है और 972 पदों के लिए एग्जाम हुआ है। साथियों, किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट कोई उचित माना जाए, आप अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ भी जुड़ सकते हैं। जो भी सूचनाएँ होंगी, जो भी सेवाएँ होंगी, वो आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।